भाई क्या हुआ, क्या पोटी लग गया क्या तुमको? कैसा निकल रहा है? सुबह से तीन बार जा चुका है। कोसा वाला निकल रहा है ना कि एकदम रसीला वाला? हाँ कलर कलर कैसा है कॉम्बिनेशन? चिराग ये तीसरा बार है क्या तुम्हारा? सेकंड है? बताओ, ये पूरा अच्छा से खाली करके जाएगा लगता है। ये देखिए, रात को जो कपड़ा सब धोया था वो कैसे सुखाया, एसी के वेंट में सुखाया, फटाफट सूख रहा था इससे। फाइल कॉपी हो गया भाई? ना, हो ही नहीं सकता। देखो तो स्क्रीन खोल के हो रहा। चलो कैंसल तो नहीं हो रहा ना, थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय फ्रेश वीडियो। सो गाइस, आज का प्लान है कि आज हम लोग को 500 to 600 किलोमीटर राइड करना है। कल तो इतना हालत ख़राब हो गया था हम लोग का राइड करके, रात को होटल में पहुँचते पहुँचते लगभग 9 बज गया था। सो अभी रात को फिर सोते सोते लगभग 1 बज गया, फाइल कॉपी किया और यहाँ पे फाइल कॉपी हो रहा है। विशु भाई का फाइल कॉपी हो रहा है और ये सब सामान है जो हम लोगों को समेटना है। समेट के बाइक में फटाफट लोड करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। सो पैकिंग तो हो गया है, अब फटाफट निकलते हैं, लगे सबको बांधते हैं। तो भाई आज का प्लान क्या है, कहाँ तक निकलना है? देखिए अभी हो गया है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। लगभग 10:30 बज गया, 10:30 तो 11 बज जाएगा। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम 400 से 500 किलोमीटर। हाँ, कम से कम 400 से 500 तो आज मारना है, पर ज्यादा ये नहीं करना, घाई नहीं करना, हड़बड़ी नहीं करना हम लोग को। मतलब लगभग 3 बजे करीब हम लोग डिसाइड करना है। 3 बजे से 4 बजे तक हम लोग देखेंगे, 4 बजे तक कहाँ पहुँचते हैं। अगर देखते हैं कि मतलब अच्छा खासा रास्ता कवर हो गया तो वहीं पे स्टॉप ले लेंगे, अगर नहीं होगा तो कोशिश करेंगे 5 बजे 5:30 बजे तक एटलीस्ट। जो गलती कल हम लोग ने किया, बुक नहीं किया, हम लोग मिल जाएगा, इतना बड़ा सिटी है, टाउन है, लेकिन प्रॉब्लम यही हो गई यहाँ पे है ही नहीं। बाद में जब आदमी लोग से पूछा गया तब उन लोगों ने बोला की मेन हाईवे से मतलब हम लोग लगभग 12 किलोमीटर अंदर आना पड़ा कल रात को। मतलब इतना मतलब हालत खराब गया था, एक तो होटल बुक वुक नहीं किया, अंदर खोजते खोजते उसके बाद में रेलवे स्टेशन के पास में गोरखपुर जंक्शन आप लोग बिलोंग्स करते हैं, आप लोग को पता ही होगा, आप लोग को पता ही होगा। और अगर आप लोग गोरखपुर आ रहे हैं तो कहीं पे हाईवे में आप लोग को होटल नहीं मिलेगा, सीधा अंदर में आइएगा गोरखपुर मेन सिटी में, सीधा जंक्शन में आइएगा, जंक्शन के आसपास में आपको बहुत सारा होटल मिल जाएगा, वो ठीक रहेगा। आप हाईवे के हम लोग के जैसे गलती मत कीजिए कि हाईवे में खोजिएगा, बोलिए हाईवे में नहीं मिलेगा। यहाँ पे ढाबा में शायद हो सकता है, पर वो आपका प्रेफरेंस है कि आप ढाबा में रहिए कि होटल में रहिएगा। ढाबा मिलेगा नहीं मिलेगा वो हम लोग को पता नहीं। कल तो ऐसा हो गया था कि हम लोग होटल में आए, कुछ दाम वगैरह नहीं कुछ है, जस्ट डायरेक्ट घुस गए। नहीं भाई, मिल गया मेन, हम लोग को रेस्ट करने के लिए जगह चाहिए और हम लोग टेंट वगैरह लिए नहीं, और हम लोग को कैंपिंग करना भी नहीं, हम लोग को कैंपिंग आराम आराम से जाना, कम से कम लाइन चाहिए, गैजेट वगैरह चार्ज करना है, क्या फायदा होगा? कोई फायदा ही नहीं है। तो कल में तो इतना मतलब कि क्या बोले, कमर ये सब बदन का हालत खराब हो गया था एकदम, नींद का वजह से। एक तो फर्स्ट दिन था राइड का, एक्साइटमेंट में ठीक से सोए नहीं भैया, तो फिर भी शायद 1-2 घंटा सोए होंगे। हाँ, 1-2 घंटा सोया था हम तो, सोए वही 1 घंटा जैसा। और एक जो भाई जा रहा है हम लोग का चेहरा भाई, वो तो सोया ही नहीं, वो टाइम पास कर रहा है, नेल कटिंग कर रहा है, फिर इधर बाइक को देख रहा है, मेरे को फोटो भेज रहा है 3 बजे। और आप सोच लो कितना एक्साइटमेंट था भाई, लद्दाख जा रहे हम लोग, वो तो सोया ही नहीं। और ये तुम कितना आधा एक घंटा सोया? अरे मैं तो ऐसे ऐसे करके सो रहा हूँ, फिर उठता हूँ, हम सोचे चल 3 बज गया, अलार्म अभी भी 1.5 घंटा बाकी है। और तो आप लोग सोच सकते हैं कितना एक्साइटमेंट है हम लोग का ये राइड का, बताइए हम लोग का मतलब कि एक सपना जो है वो पूरा हो रहा है, और हमको मतलब एकदम विश्वास नहीं हो रहा क्या मैं लद्दाख टूर में बोल के। मतलब 2020 का प्लान था जो कि 2021 में सक्सेस हो रहा है, होने वाला है। हो जाएगा, ऊपर वाला का दुआ है हम लोग का, हो ही जाएगा जरूर। और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और वीडियो जो भी देख रहे हैं वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, पर और चैनल जो उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा नीचे, आप लोग को अच्छा लगा अच्छा लगा तो बस
एक सेकंड लगता है एक लाइक बटन दबाने के लिए। और ज्यादा अच्छा लगा प्लीज शेयर कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर करें यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग का कुछ तो नहीं जाता है, पर हम लोग का क्या है कि मनोबल बढ़ता है, मतलब और वीडियो बनाए, नहीं आप लोग पसंद आ रहा मतलब तो हम लोग और वीडियो बनाने का मन करता है। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ तो करेंगे, करेंगे फटाफट से ये सब लगेज सब पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। चलो तो फिर निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं आज में कितना किलोमीटर क्रॉस होता है। साहित ब्लॉक्स बोल के VLOX जी मैं टाइप कर दे रहा हूँ। कल का न्यूज़ देखे आप लोग? कल का कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ओ क्या लैंडस्लाइड हुआ ना? वो हाँ न्यूज़ में पूरा देखा है कि ये देखिए ये चैनल मेरा, अब कुछ दिन के बाद में वीडियो आना चालू हो जाएगा। ठीक है मिलते हैं। जैकेट वकेट लगा के थोड़ा देर के लिए अगर रुक जाओ ना तो मतलब एकदम से इतना ज़्यादा गर्मी होता है। गोरखपुर सिटी बहुत अच्छा है, पर बहुत अच्छा खासा बड़ा सिटी है, तो सिटी से अभी हाईवे लगभग 10-12 किलोमीटर के आसपास है, तो हाईवे कनेक्ट करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अभी एकदम पीक टाइम है, हम लोग पीक टाइम में निकले हैं। एक्चुअली कल मैं मतलब कि इतना ज़्यादा थक गया था कि इसलिए सोचे कि थोड़ा रेस्ट करके ही निकले, इतना ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस ना देते हुए। अभी लगभग 12 बज गया है, तो गोरखपुर सिटी में मतलब ट्रैफिक अच्छा खासा है, पर एक बात मेरे को समझ में नहीं है, रेड सिग्नल जला हुआ सब जा रहे हैं, मुझे लगा कि सिग्नल ख़राब है शायद, इसलिए मैं भी निकल गया, क्योंकि ख़राब नहीं होने से तो पुलिस सामने ही है पकड़ ही लेती। भाई साहब हालत ख़राब होने वाला, अंदर से पकने वाले हैं बहुत जल्दी हम लोग। वेस्ट बंगाल से है? हाँ वेस्ट बंगाल से। यूट्यूब चैनल है सर आपका? हाँ साहित ब्लॉग्स बोल के। ठीक है निकलते हैं, मतलब लोगों को ऐसा एक्साइटेड देख के ना मतलब कि अच्छा फीलिंग लगता है, मतलब कि मतलब राइडर लोग को जिस तरीके से इन लोग मतलब देख के जितना खुशी होते हैं तो अच्छा लगता है। गर्मी तो इतना मतलब कि क्या बोले आप, कल से ही आप लोगों को ब्लॉग में सुनने मिल रहा है गर्मी है गर्मी है गर्मी है, अब क्या करूँ यार, गर्मी है तो अब बोलना तो पड़ेगा ही है कि नहीं। अभी पहला तो हम लोग का प्रायोरिटी ये है कि फ्यूल अप करना है, और आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग सिल्लीगुड़ी, सिल्लीगुड़ी लद्दाख। तो यहाँ पे हम लोग पेट्रोल के लिए रुके हैं, ठीक यहाँ पेट्रोल कितना 99 है, ऐसा क्यों पीछे साइड में तो रेट बेसी था, पर 105 के आसपास था, 105 बिहार में ना, अच्छा यूपी में 99 है, तो बहुत अच्छा है। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग सिल्लीगुड़ी से आ रहे हैं। बंगाल? इधर कहाँ जाएंगे? इधर अभी लद्दाख जा रहे हैं हम लोग, इनका पेमेंट हो गया 790। तो लंच के लिए हम लोग रुके थे यहाँ पे, लंच हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया है, लंच टेस्टी था पर ना भाई और बीसी ने तो दवा के खाया, ऊपर से लास्ट में लस्सी भी पी लिया, अब इसको रास्ता में पता चलेगा।
सोलेस का ग्लास देखना इतना घटिया है, इसका यहाँ पे ये रैक्सिन लगा दिया, बाकी सब लेदर दिया, हाँ यहाँ पे रैक्सिन लगा दिया, यहाँ से उसका सब निकल गया पपड़ी फर्स्ट यूज में, और हल्का हल्का फट भी गया देखो ना फर्स्ट यूज में, बताओ तब बताओ इसका भी हुई जी। डेली कितने किलोमीटर चला लेते हैं? डेली 500-600। लद्दाख उद्दाख जाएंगे? लद्दाख ही जा रहे हैं हम लोग, लद्दाख जा रहे हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पे कुछ लोग इन लोग को फोटो क्लिक करने का मन है हम लोग के साथ में, चलो आप लोग कहाँ यहीं से है क्या? ऐसे राइडर लोग को इन लोग जब देखते हैं ना तो इन लोग को मतलब ऐसा लगता है कि तो इन लोग का ही मन करता है राइड करने का भी। यूपी टूरिज्म वेलकम यू टू अयोध्या। सो फाइनली हम लोग अयोध्या अब एंटर कर रहे हैं, सोच रहे यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक कर लेते हैं। जहाँ तक हम लोग का प्लान है कि आज में लखनऊ में ही हम लोग को रुकना है, क्योंकि ज़्यादा एकदम आज में हम लोग को क्योंकि कल में लखनऊ के बाद में सीधा हम लोग को चंडीगढ़ मारना है, तो इसके लिए हम लोग सोच रहे कि आज में मतलब लखनऊ तक रुक जाएं, आज दिन भर मस्त रेस्ट करेंगे, उसके बाद में कल में सुबह सुबह ही निकल जाएंगे लगभग 4 बजे। कोशिश तो यही रहेगा 4 बजे निकल जाएंगे, पता नहीं अब नींद खुलता है कि नहीं। हम हमेशा तो बोल देते हैं कि 3 बजे निकलेंगे 4 बजे निकलेंगे, पर जब निकलने का टाइम आता तो 5 बज जाता है निकलते निकलते, लास्ट टाइम कैसे था। आज में कहाँ प्लान था हम लोग 7 बजे निकलने का, और निकलते निकलते हम लोग को लगभग 11:30-12 बज गया। हाँ चा चा तो यदि आसे भालो आसे, तो थोड़ा चाय ब्रेक के लिए रुके थे यहाँ पे। अब यहाँ से लखनऊ और लगभग 100 किलोमीटर दूर है, देखते हैं मेन सिटी लखनऊ का रुकेंगे या तो आउटर में ही रुक जाएंगे हाईवे साइड में। रुकने का यही फ़ायदा है कि मतलब सुबह को हम लोग को निकलने में परेशानी नहीं होगा, जैसे कि आज में परेशानी हुआ। आज में एक्चुअली परेशानी इसलिए भी हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट पीक टाइम में हम लोग निकले, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। अगर पीक टाइम में नहीं निकलते तो शायद यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं होता। और सुबह को अगर कल हम लोग जल्दी निकल गए तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो चाहे अगर हम लोग मेन सिटी में भी अगर रुक गए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सुबह को हम लोग कोशिश तो यही है मैक्सिमम 4 o'clock या 5 o'clock तक निकल जाए हम लोग।